Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am Assistant Professor in St. Andrew's Institute of Technology and Management. And today we are going to study about the classification of protective relays. So in my previous lecture I told you about the protective relay. Protective relay क्या होती है कि मेरा एक system होता है, एक protective system होता है, power system है जिसको मैं use करती हूँ transmission line की protection के लिए. अब इस protective relay में मेरे number of components में use करती हूँ, like मेरे current transformer है, potential transformer है, power transformer है, circuit breakers and tripping coils हैं, ठीक है. So all the relays consist of one or more elements which get energized and actuated by the electrical quantities of the circuit. अब हर relay system में एक या एक से ज़्यादा element होते हैं जो मेरे energized होते हैं और actuate करते हैं, काम करते हैं by the electrical quantities of the circuit. आज के टाइम में हम जितने most of the relays हम जो use करते हैं वो मेरी electromechanical type होती हैं. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आज के टाइम में हम जो भी रिलेज यूज़ करते हैं वो मोस्टली मेरी इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप होती हैं और वो मेरी दो प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं. इधर वो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन प्रिंसिपल पे काम करती हैं या फिर वो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करती हैं. अब इनकी क्लासिफिकेशन कैसे है कि मेरी रिले किस टाइप की और वो कैसे काम कर रही है. सो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले किस प्रिंसिपल पे काम करती है कि इसका जो आर्मेचर होता है वो मेरा अट्रैक्ट करता है बाय द मैग्नेटिक फोर्स. और ये मैग्नेटिक फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द अनडिजायरेबल करंट और मूवमेंट ऑफ प्लंगर इन अ सोलेनोइड. दीज रिलेज कैन एक्चुएटेड बाय एसी और डीसी क्वांटिटीज़. इसमें हम एसी डीसी बोथ क्वांटिटी से एक्चुएट हो जाती है, मतलब एसी और डीसी दोनों पे ये काम करती हैं. अब मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप तीन टाइप की होती हैं. सबसे पहले सोलेनोइड टाइप. सोलेनोइड टाइप में क्या होता है, इन दिस रिले द प्लंगर और आयरन कोर मूव्स इनटू अ सोलेनोइड एंड द ऑपरेशन ऑफ द रिले डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ प्लंगर. देन वी हैव अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप. दिस रिले ऑपरेट्स ऑन द करंट सेटिंग. When the current in the circuit exceeds beyond the limit, the armature gets attracted by the magnetic force produced by the undesirable current. अब ये मेरी रिले क्या है, attracted armature type. ये मेरी current setting पे काम करती है. जब मेरे सर्किट में मेरा जो करंट है वो अपनी रेटेड वैल्यू को एक्सीड करता है. रेटेड वैल्यू को करंट कब एक्सीड करता है, जब उसमें फॉल्ट आता है, ठीक है. तो उस कंडीशन में जो मेरा आर्मेचर है इस रिले का वो अट्रैक्ट करता है बाय द मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द अनडिजायरेबल करंट. द करंट रेटिंग ऑफ द सर्किट इन विच रिले इज कनेक्टेड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ऑपरेशन ऑफ द रिले. अब जिस सर्किट के लिए मैं इस रिले को यूज़ कर रही हूँ उस सर्किट के करंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी वर्किंग के लिए. अगर करंट की रेटिंग के हिसाब से मैं रिले यूज़ कर रही हूँ तभी उसको मैं प्रोटेक्टिव सिस्टम के टाइम पे यूज़ कर सकती हूँ. अदरवाइज़ अगर करंट की रेटिंग ज़्यादा है और उस हिसाब की रेटिंग की मैंने रिले यूज़ नहीं की तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मेरी कॉइल जो है वो हर टाइम उसको लगेगा कि सिस्टम में फॉल्ट है, क्योंकि ये मेरी जो अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइम है ये सिर्फ मेरी कब ऑपरेट करेगी, जब करंट की लिमिट रेटेड वैल्यू से एक्सीड होगी. सो उस कंडीशन में इसकी जो आर्मेचर है वो अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फोर्स से, वो अट्रैक्ट होगा ड्यू टू द अनडिजायरेबल करंट. अनडिजायरेबल करंट जो सिस्टम में प्रेजेंट होगा उसकी वजह से जो मेरी मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट होगी वो मेरे आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा और वो उसमें फिर ट्रिप करेगा. देन वी हैव बैलेंस्ड बीम टाइप. बैलेंस्ड बीम टाइप क्या है, इन दिस रिले द आर्मेचर इज फास्टेंड टू अ बैलेंस बीम. फॉर नॉर्मल करंट द बीम रिमेन्स हॉरिजॉन्टल बट वेन द करंट एक्सीड्स द आर्मेचर गेट्स अट्रैक्टेड एंड बीम्स गेट टिल्टेड कॉजिंग द रिक्वायर्ड ऑपरेशन. अब बैलेंस्ड बीम टाइप क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में जो इसका बीम है वो एक हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रहेगा, लेकिन जैसे ही करंट की वैल्यू एक्सीड करेगी, करंट की वैल्यू दोबारा से रिपीट कि करंट की वैल्यू कब एक्सीड करती है, जब सिस्टम में फॉल्ट अकर होता है. सो ट्रांजिएंट कंडीशन में मेरी करंट की वैल्यू एक्सीड करती है. तो जब भी सिस्टम अनबैलेंस होगा और करंट की वैल्यू एक्सीड करेगी तो उसमें आर्मेचर मेरा जो है इस कॉइल का वो अट्रैक्ट कर जाएगा और जैसे ही आर्मेचर अट्रैक्ट करेगा तो जो मेरी बीम है वो टिल्ट करने लगेगी टू परफॉर्म their operation. Then we have induction type relays. अब induction type relay क्या है, these relay work on the principle of electromagnetic induction. ये जो मेरी relays है induction type ये मेरी electromagnetic induction principle पे काम करती हैं. इनका जो use है वो सिर्फ AC quantities के लिए use किया जाता है.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप जो थी उसको एसी डीसी दोनों में यूज़ कर सकते थे, इंडक्शन टाइप को सिर्फ एसी क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, इंडक्शन डिस्क टाइप, इंडक्शन कप टाइप। फर्स्ट क्या है, इन दिस रिले अ मेटल डिस्क इज अलाउड टू रोटेट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इंडक्शन डिस्क टाइप में क्या है कि इसमें एक मेटल डिस्क होती है जो मेरी रोटेट करती है दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर एनर्जाइज्ड बाय द अल्टरनेटिंग करंट। अब जो मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो कैसे एनर्जाइज होते हैं, वो मेरे एनर्जाइज होते हैं बाय द अल्टरनेटिंग करंट से। द टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज फॉर दिस टाइप आर शेडेड पोल टाइप एंड वॉट आर टाइप मीटर टाइप। इसकी जो वर्किंग है इस काइंड ऑफ इंडक्शन मोटर की तरह होती है। इंडक्शन मोटर में मेरा एक टाइप होता है शेडेड पोल टाइप, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो शेडेड पोल टाइप से या फिर वॉट मीटर टाइप से। और इसमें क्या होता है कि एक मेटल डिस्क होती है जो मेरी दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में रोटेट करती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो मेरी एनर्जाइज होते हैं वो मेरी एसी करंट की हेल्प से एनर्जाइज होते हैं। सेकेंड वी हैव इंडक्शन कप टाइप। इंडक्शन कप टाइप में क्या है कि इन दिस रिले इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक्ट एज अ स्टेटर। कप रिले में क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं वो मेरी एक्ट एज अ स्टेटर काम करती हैं एंड एनर्जाइज्ड बाय रिले कॉइल्स। दिस रोटर इज मैटिकली सिलेंड्रिकल कप टाइप। थर्ड वी हैव डायरेक्शनल टाइप रिले। अब डायरेक्शनल टाइप रिले क्या है, दीज रिले वर्क ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ पावर फ्लो इन द सर्किट। डायरेक्शनल टाइप रिले से नाम से पता चल रहा है डायरेक्शन के हिसाब से काम करती है, बट किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट और पावर, ठीक है। द वेरियस टाइप ऑफ दीज रिले। अब ये रिले दो टाइप की होती है, रिवर्स करंट टाइप और रिवर्स पावर टाइप। डायरेक्शन टाइप रिले मेरी करंट और पावर की डायरेक्शन के हिसाब से काम करती हैं। दो टाइप का होता है, रिवर्स करंट टाइप और रिवर्स पावर टाइप। करंट टाइप में क्या है, दिस रिले इज एक्चुएटेड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड और द फेज ऑफ द करंट बिकम मोर देन द प्री डिटरमाइंड वैल्यू। रिवर्स करंट टाइप में क्या है कि ये मेरी कॉइल कब ऑपरेट करेगी, जब मेरे जो करंट की डायरेक्शन है या तो वो रिवर्स हो जाए। फॉल्ट कंडीशन में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, वो अपना पाथ छोड़ के एक सिंपल स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, या फिर जो करंट की फेज वैल्यू है वो उसकी रेटेड वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, तो उसको बोलते हैं रिवर्स करंट टाइप, डायरेक्शनल टाइप रिले। सेकंड वी हैव रिवर्स पावर टाइप। द पावर इज द रिले इज एक्चुएटेड व्हेन द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट अटेन्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू। पावर क्या होती है, पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। तो अगर जो इसमें जो फेज डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज वो एक स्पेसिफाइड वैल्यू अटेन कर ले, ठीक है, वो अपनी रेटेड वैल्यू से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो इस मीन्स में मेरे सिस्टम में फॉल्ट अकर हुआ है, और उस केस में मेरी रिवर्स पावर टाइप डायरेक्शनल टाइप रिले ऑपरेट करेगी। सो रिवर्स करंट टाइप कब ऑपरेट करती है, जब करंट की वैल्यू या तो रिवर्स हो जाए या फिर करंट की वैल्यू उसकी प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। और रिवर्स पावर टाइप कब करती है, जब जो फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है मेरा करंट और वोल्टेज के बीच में वो एक स्पेसिफाइड वैल्यू अटेन कर ले। नेक्स्ट वी हैव रिलेज बेस्ड ऑन टाइमिंग। इन द रिलेज द टाइम बिटवीन इंस्टेंट ऑफ रिले ऑपरेशन एंड इंस्टेंट एट विच ट्रिपिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स टेक प्लेस कैन बी कंट्रोल्ड। इन रिलेज द टाइम बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ रिले ऑपरेशन। रिले ऑपरेशन मतलब जब रिले ने ऑपरेट करना स्टार्ट किया, एंड इंस्टेंट एट विच ट्रिपिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स कैन टेक प्लेस कैन बी कंट्रोल्ड। अब इस टाइप की जो रिलेज होती हैं इसमें जब मेरी रिले ने ट्रिप किया और उसके बाद में जब मेरा कॉन्टैक्ट्स ने ओपन होना स्टार्ट किया, सो इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है इस टाइम को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन टाइप। और रिलेज बेस्ड ऑन टाइमिंग में हम इस ऑपरेशन टाइप को कंट्रोल कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस टाइम द टाइम रिलेज कैन बी क्लासिफाइड एज। रिले बेस्ड ऑन टाइमिंग क्या होती है, जब भी सिस्टम में फॉल्ट अकर होता है तो सबसे पहले मेरी ट्रिप कॉइल करती है, तो जैसे ही फॉल्ट को सेंस करके जो मेरी कॉइल थी उसने ट्रिप किया, और कॉइल के ट्रिप करने के बाद में मेरे जो कॉन्टैक्ट्स थे सर्किट ब्रेकर के वो ओपन होना स्टार्ट हुए। सो ये दो अलग अलग ऑपरेशंस हैं। अब इसके बीच का जो टाइम होता है, जो इन दोनों ऑपरेशंस के बीच का टाइम होता है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन टाइम।
और जो रिलेज मेरी बेस्ड ऑन टाइमिंग होती है वो इस ऑपरेशन टाइप को कंट्रोल कर सकती हैं, मतलब इसको वो मिनिमम कर सकती हैं कि जैसे ही रिले मेरी जो ट्रिप कॉइल थी उसने सेंस किया सर्किट में फॉल्ट अकर हुआ है और वो जल्दी से अपना ऑपरेशन परफॉर्म करे और उसके बाद में सर्किट ब्रेकर अपने कॉन्टैक्ट्स को एज फास्ट एज पॉसिबल उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सके। तो अगर ये ऑपरेशन टाइप को जो मिनिमाइज कर सकता है वो ये रिलेज बेस्ड ऑन टाइमिंग, विद द हेल्प ऑफ रिलेज बेस्ड ऑन टाइमिंग हम ये काम कर सकते हैं। अब ये मेरी तीन टाइप की होती है। इंस्टेंटेनियस टाइप, इंस्टेंटेनियस टाइप में क्या होता है कि इन दिस टाइम नो टाइम इज लॉस्ट बिटवीन द ऑपरेशन ऑफ रिले एंड ट्रिपिंग ऑफ कॉन्टेक्ट्स, नो इंटेंशनल टाइम डिले इज प्रोवाइडेड। इंस्टेंटेनियस में टाइम क्या होता है कि जैसे ही मेरी जो कॉल है वो ट्रिप करती है वैसे मेरे कॉन्टेक्ट्स ओपन होना स्टार्ट कर देते हैं। डेफिनेट टाइम लैग टाइप, इन दिस टाइप intentionally a definite time lag is provided between operation of relay and tripping of contact. Definite type, lag type. अब इसमें एक specified time पहले से ही mention होता है कि coil के trip करने के बाद में इस specified time के बाद में ही मेरा circuit breaker अपना operation perform करना start करेगा। Third we have inverse time, lag time. In this time the operating type is approximately inverse proportional to the magnitude of the actuating quantity. So I hope आप लोगों को instantaneous time, definite time and inverse time समझ में आया होगा। instantaneous time क्या होता है कि जैसे ही fault occur होता है और मेरी जो coil है उसने trip किया, coil के trip करते ही जो मेरे circuit breaker के contacts हैं वो open होना start हो जाते हैं, तो इसमें जो मेरा operation time होता है वो बिल्कुल negligible होता है, minimum होता है। उसके बाद में डेफिनेट टाइम, डेफिनेट टाइम का मतलब क्या है कि जब सिस्टम में फॉल्ट अकर हुआ और मेरी ट्रिप कॉइल ने ट्रिप किया तो उसके बाद में एक टाइम लैग होता है, एक टाइम डिफरेंस होता है, उस टाइम के बाद में ही मेरा सर्किट ब्रेकर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। और इन्वर्स टाइम में क्या होता है कि इसमें जो ऑपरेटिंग टाइम है वो मेरा अप्रोक्सीमेटली इन्वर्स होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्चुएटिंग क्वांटिटी। देन वी हैव डिस्टेंस टाइप रिले। अब डिस्टेंस टाइप रिले क्या है कि ये जो मेरी रिले काम करती हैं इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज टू करंट रेशियो। डिस्टेंस रिले मेरी काम करती है प्रिंसिपल टू द मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज टू करंट रेशियो, वोल्टेज एंड करंट का रेशियो जो होता है उसके प्रिंसिपल पे मेरी डिस्टेंस रिले काम करती है। इन दिस टाइप देयर आर टू कॉइल्स, इसमें दो कॉइल्स होती हैं, वन कॉइल इज एनर्जाइज्ड बाय द करंट और अदर कॉइल इज एनर्जाइज्ड बाय द वोल्टेज। डिस्टेंस टाइप में मैं जो ये रिलेज काम करती हैं ये मेरी मेजरमेंट ऑफ करंट टू वोल्टेज के रेशियो पे काम करती हैं, वोल्टेज टू करंट के रेशियो पे काम करती हैं। इसमें मेरी दो कॉइल्स होती हैं, एक कॉइल मेरी एनर्जाइज होती है वोल्टेज से और एक मेरी एनर्जाइज होती है करंट से। जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है इसमें वो प्रोपोर्शनल होता है रेशियो ऑफ दिस टू क्वांटिटीज। व्हेन द रेशियो रिड्यूसेस बिलो अ सेट वैल्यू, जब इसमें जो रेशियो है करंट टू वोल्टेज का वो एक सेट वैल्यू से रिड्यूस होता है तो ये रिले ऑपरेट करती है। डिस्टेंस टाइप रिले पर दोबारा से बता देती हूँ कि ये मेरी काम करती है प्रिंसिपल ऑफ द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज टू करंट, वोल्टेज टू करंट के रेशियो पे काम करती है। इसमें दो कॉइल्स होती हैं, एक कॉइल मेरी एनर्जाइज होती है वोल्टेज से, एक मेरी एनर्जाइज होती है करंट से, ठीक है। उसके बाद में जो इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो मेरा प्रोपोर्शनल होता है इसके करंट वोल्टेज टू करंट के रेशियो के, और जैसे ही मेरा जो वो रेशियो है वो एक्सीड करता है उसकी रेटेड वैल्यू से, जो मेरा वोल्टेज टू करंट का रेशियो है उसकी रेशियो वैल्यू से मेरा जो अगर वैल्यू एक्सीड करती है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस टाइप रिलेज मेरी ऑपरेट करती हैं। अभी मेरी तीन टाइप की होती हैं। इम्पीडेंस टाइप, इम्पीडेंस टाइप क्या है, इन दिस टाइप द रेशियो ऑफ द वोल्टेज टू करंट इज नथिंग बट एन इम्पीडेंस विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ रिले फ्रॉम द फॉल्ट पॉइंट। इम्पीडेंस टाइप में जो मेरा रेशियो होता है वोल्टेज टू करंट का इज नथिंग बट एन इम्पीडेंस, एक इम्पीडेंस वैल्यू होती है जेड इज इक्वल्स टू वी अपॉन में आई विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द रिले फ्रॉम द फॉल्ट पॉइंट। अब डिस्टेंस जो है फॉल्ट पॉइंट का रिले से वो जो डिस्टेंस है वो इसका प्रोपोर्शनल होता है मेरे वोल्टेज टू करंट के रेशियो में। इम्पीडेंस टाइप में आई होप समझ में आया होगा। इम्पीडेंस टाइप क्या है, जो जेड है मेरा, इसमें मेरा जेड किसके इक्वल होता है, जो मेरा डिस्टेंस होता है कि मेरी रिले मेरे सिस्टम में कहाँ लगी हुई है और उसके साथ से कितना डिफरेंस है जहाँ पे फॉल्ट अकर हुआ है। सो जो डिफरेंस होगा फॉल्ट कंडीशन से लेके रिले तक के बीच में वो इज इक्वल्स टू होगा मेरा जेड के, और मेरा जेड क्या है, वोल्टेज टू करंट का रेशियो। रिएक्टेंस टाइप,
इसमें क्या है, द ऑपरेटिंग टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंस विच इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ रिले फ्रॉम द फॉल्ट पॉइंट. एडमिटेंस टाइप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड MHO टाइप. इन दिस टाइप द ऑपरेटिंग टाइप इज प्रोपोर्शनल टू द एडमिटेंस. इसमें जो ऑपरेशनल टाइम होता है वो इक्वल होता है एडमिटेंस के. रिएक्टेंस टाइप में जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है रिएक्टेंस के एक्स के. और इम्पिडेंस टाइप में जो मेरा रेशियो होता है वो मेरा इक्वल होता है इम्पिडेंस के. देन वी हैव डिफरेंशियल टाइप रिले. अब डिफरेंशियल टाइप रिले क्या है, अ डिफरेंशियल रिले ऑपरेट्स व्हेन द वेक्टर डिफरेंस ऑफ द टू और मोर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज इन द सर्किट इन विच रिले इज कनेक्टेड एक्सीड्स अ वैल्यू. डिफरेंशियल रिले जब मेरी ऑपरेट करती हैं, जब जो मेरा वेक्टर डिफरेंस होता है दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जो मैं अपने सर्किट में यूज़ करती हूँ, जब भी दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का जो वेक्टर डिफरेंस होता है वो अपनी स्पेसिफाइड वैल्यू से एक्सीड करता है, सो उस कंडीशन में मेरी डिफरेंशियल टाइप रिलेज ऑपरेट करती हैं. ये मेरी दो टाइप की होती है, करंट डिफरेंशियल टाइप एंड वोल्टेज डिफरेंशियल टाइप. करंट डिफरेंशियल टाइप क्या है कि इन दिस टाइप द रिले कंपेयर्स द करंट entering a section of the system and the current leaving the section. Under fault condition these currents are different. Current differential type कैसे काम करती है कि ये मेरा current की value को compare करती है. मैंने अपने apparatus protection, जब मैंने आप लोगों को topic समझाया था तो मैंने उसमें differential type protection समझाई थी, तो उसमें क्या था कि वो current को compare करती थी, जो operating coils होती थी वो current को compare करती थी कि normal condition में current कितना, और जैसे current का difference measure करती थी. दो करंट ट्रांसफार्मर थे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस मेजर करती थी, और जैसे ही डिफरेंस मतलब एक्सीड होता था अपनी स्पेसिफाइड वैल्यू से या उसकी कुछ भी रेटेड वैल्यू आती थी तो उस कंडीशन में मतलब मेरे सिस्टम में फॉल्ट अकर हुआ है. तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि ये जो रिले है मेरी करंट को मेजर करती है, करंट डिफरेंस को मेजर करती है कि करंट एंटर कितना हुआ था और करंट लीव कितना हो रहा है, दो पॉइंट्स पे. ठीक है, अगर करंट एंटरिंग की वैल्यू, सॉरी करंट लीविंग की वैल्यू अगर करंट एंटरिंग से ज़्यादा है, मतलब उसके पाथ के थ्रू जब उसमें पाथ था जो जिसके पाथ के थ्रू उसने अपना डिस्टेंस कवर किया है तो वहाँ पे कोई फॉल्ट अकर था, तो फॉल्ट कंडीशन में क्या होता है कि करंट की रेटेड वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो उस कंडीशन में अंडर फॉल्ट कंडीशन दीज करंट आर डिफरेंट, सो उस कंडीशन में मेरी करंट डिफरेंशियल टाइप रिलेज ऑपरेट करती हैं. देन वी हैव वोल्टेज डिफरेंशियल टाइप. इन दिस टाइप रिलेज टू ट्रांसफार्मर्स आर यूज. इसमें दो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, दो सेकेंडरी होती है ट्रांसफार्मर्स की, वो कनेक्टेड कर देते हैं हम सीरीज में विद द रिले इन सच अ वे दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ्स आर इन द पोजीशन अंडर नॉर्मल कंडीशन. अंडर फॉल्ट कंडीशन प्राइमरी कैरी डिफरेंट करंट्स ड्यू टू विच इंड्यूस्ड ईएमएफ्स नो लॉन्गर रिमेन इन अ पोजीशन एंड द रिले ऑपरेट्स. सो आई होप आप लोगों को डिफरेंशियल टाइप रिले समझ में आया होगा. इसको ओवरव्यू दे देती हूँ. करंट टाइप रिले क्या है कि जो ये रिले है वो मेरे करंट को मेजर करती है, करंट का डिफरेंस चेक करती है कि जब करंट एंटर हुआ था तो उसकी वैल्यू क्या थी, और दूसरे पॉइंट पे जब करंट लीव कर रहा है सर्किट को तो उसकी वैल्यू क्या है. ठीक है, अब अगर करंट लीविंग की वैल्यू करंट एंटरिंग से ज़्यादा है इसका मतलब सिस्टम में फॉल्ट है. फॉल्ट कैसे है कि जैसे ही सिस्टम में फॉल्ट अकर होता है तो फॉल्ट करंट की वजह से जो मतलब करंट की वैल्यू होती है वो उसकी नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज़ हो जाती है, रेटेड वैल्यू से इंक्रीज़ हो जाती है, सो उस कंडीशन में करंट डिफरेंशियल रिले ऑपरेट करेगा क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि करंट एंटरिंग की वैल्यू इतनी थी और करंट लीविंग की वैल्यू उससे ज़्यादा है. सेकंड वी हैव वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर. वोल्टेज डिफरेंशियल टाइप. अब वोल्टेज डिफरेंशियल टाइप मेरा सेम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले की तरह काम करता है. इसमें मैं दो ट्रांसफार्मर यूज़ करती हूँ, दोनों ट्रांसफार्मर के जो मेरे सेकेंडरीज हैं वो मेरे एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड होते हैं जिसके थ्रू मैं ऑपरेटिंग रिलेज को यूज़ करती हूँ. ठीक है, अब इसके बाद में ये कैसे काम करते हैं कि अंडर नॉर्मल कंडीशन में जो इनकी इंड्यूस्ड ईएमएफ्स होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, बट जैसे ही फॉल्ट अकर होता है तो प्राइमरी की वजह से जब प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू वो फॉल्ट करंट फ्लो करेगा तो सेकेंडरी की ईएमएफ वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और वो एक दूसरे के अपोजिशन में नहीं रहेंगी और उस कंडीशन में मेरी वोल्टेज डिफरेंशियल रिले ऑपरेट करेगी. सो आई होप आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव रिले समझ में आया होगा. ये टोटल मेरे 6 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप, इंडक्शन टाइप, डायरेक्शनल टाइप, टाइमिंग बेस्ड, डिस्टेंस बेस्ड एंड डिफरेंशियल टाइप. बेसिकली मेरे जितने भी रिलेज होते हैं वो मेरी इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप होती है नाउडेज, और वो दो प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन पे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
induction process mein. Still, if you have any doubts regarding classification of protective relays, then please do ask me. Thank you.